क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोपों को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, अपने पति मोहम्मद शमी पर संगीन आरोप लगाने वाली हसीन जहां का आज कोलकाता की अदालत में बयान दर्ज होगा। इसी जांच के सिलसिले में रविवार को यूपी पुलिस की टीम अमरोहा स्थित शमी के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस बारे में जानकारी देते हुए शमी ने कहा कि पत्नी के साथ विवाद को सुलझाने की खूब कोशिश की, लेकिन अब कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं और मेरी फैमिली पुलिस को जांच में पूरा सहयोग कर रही है। आगे शमी ने कहा कि मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, अब तक वो आधे भी साबित नहीं कर पाई है। अब देखना चाहता हूँ कि वो किस हद तक जा सकती है। मैं चाहता था कि मसला बातचीत से सुलझ जाए, इसके लिए 7-8 दिन कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए अब मेरे पास भी कानून के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि शमी की पत्नी ने उन पर कुछ लोगों से पैसे भी लेने के आरोप लगाए हैं, जिन्हें बीसीसीआई मैच फिक्सिंग की तरह देख रही है। बता दें, इस मामले में बीसीसीआई की एंटी करप्शन टीम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है।